प्रथम तहलका न्यूज। झज्जर के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट श्याम सुंदर गोयल को सोमवार को झज्जर में पंजाब हरियाणा बार काउंसिल की तरफ से दोनों राज्यों के वकीलों की अनुशासन कमेटी का सदस्य बनाया गया। दरअसल अधिवक्ता एडवोकेट श्याम सुंदर गोयल को सोमवार को झज्जर में एक नहीं बल्कि दो स्थानों पर सम्मानित किया गया। अग्रसेन महिला कॉलेज परिसर में जहां अग्रवाल समाज की तरफ से गोयल का सम्मान कर उन्हें बधाई दी गई, वहीं एक अन्य कार्यक्रम में व्यापार मंडल की तरफ से भी उन्हें सम्मानित किया गया। और इन सम्मान समारोह में मुख्य रूप से हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल झज्जर जिला अध्यक्ष सोहन सिंह गुज्जर, रोटरी क्लब के मुकेश चावला, झज्जर गौशाला के प्रधान प्रमोद बंसल, पंचनंद इकाई के जिला प्रधान ईश्वर शर्मा, भाजपा जिला सचिव व पूर्व पार्षद मनीष बंसल, झज्जर अग्रसेन एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान महेंद्र बंसल, सचिव मोहित गर्ग, उमेश गोयल सहित काफी संख्या में अग्रवाल समाज के लोग उपस्थित रहे। सभी ने गोयल को बधाई देते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति से न सिर्फ अग्रवाल समाज बल्कि समुचित झज्जर जिले में सम्मान मिला है और साथ ही उनका गौरव भी बढ़ा है। एडवोकेट एक्ट के तहत जो है वो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है। हम अपनी कमेटी का कार्य इसमें इसी तरह से करते हैं जैसे इस पर सीआरपीसी सीपीसी के प्रोविजन लागू होते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड के, वही सारी जैसे एविडेंस लिखते हैं, कंप्लेंट लिखते हैं, जवाब देते हैं, उसी तरह से। प्रथम तहलका के लिए झज्जर से संजीत खन्ना की रिपोर्ट।